The question is, how can the three resistors of resistances 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm are connected to give a total resistance of 4 ohm and 1 ohm। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या उन्होंने कि 2, 3 and 6 ohm के रेजिस्टेंस को हम किस तरह से कनेक्ट करें कि जो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस है वो एक बारी 4 ओम और एंड दूसरी बारी 1 ओम आए। तो इस तरह के सम को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे R1 2 ओम, R2 3 ओम एंड R3 6 ओम। अब मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिखा रही हूँ, सर्किट डायग्राम्स। देखिए इन सर्किट डायग्राम्स को आपने क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको अपनी रफ में बना के रख लेना है। तो जब भी आपको इस टाइप का सम आएगा तो सबसे पहले आपने रफ में ये स्ट्रक्चर्स बनाने हैं और फिर इसके अंदर 1 by 1 वो वैल्यूज पुट करनी है जो आपको गिवन होंगी, ठीक है। और फिर उसी स्ट्रक्चर को आपने फेयर में बनाना है जिससे आपको अपना डिजायर्ड आंसर मिला। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इन स्ट्रक्चर्स के अंदर जो हमारे पास हमारी वैल्यूज थी उसको हमने 1 by 1 इसके अंदर पुट करना है। तो हमारी वैल्यूज थी R1 = 2 ओम, R2 = 3 ओम एंड R3 = 6 ओम। अब हमने स्ट्रक्चर में पुट करना है। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जब हम लेते हैं तो ये है सीरीज सर्किट। तो इसके अंदर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास सीरीज का फॉर्मूला लगेगा, वो होगा RS = R1 + R2 + R3 मीन टू से 2 + 3 + 6 विच इज 11 ओम। बट हमें चाहिए क्या है ना, हमें चाहिए 1 ओम और 4 ओम, पर हमारा तो 11 ओम आ रहा है। तो ये हमारा सर्किट गलत हो गया, इसको हम फेयर में नहीं बनाएंगे। अब नेक्स्ट सर्किट में हम जब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये है पैरेलल सर्किट। तो पैरेलल सर्किट का जो फॉर्मूला होता है पैरेलल अरेंजमेंट का, वो होता है 1 by R' = 1 by R1 + 1 by R2 + 1 by R3। तो हमने पुट किया, वो आ गया 1 by 2 1 by 3 1 by 6। इसका एलसीएम आ गया 6। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 3 + 2 + 1 by 6 6 by 6, ठीक है। तो अब 1 by R' की वैल्यू 1 ओम आ गई ना हमारे पास। तो अगर हम इस 1 ओम का रेसिप्रोकल भी करेंगे तो R' की वैल्यू हमारे पास 1 ओम ही रहेगी। तो ये तो हमें चाहिए था। इसका मतलब ये वाला जो सर्किट डायग्राम है इसको हम अपने फेयर में बना लेंगे। अब हमें दूसरा चाहिए 4 ओम, ठीक है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट सर्किट में वैल्यूज पुट करेंगे। तो देखो हमने वैल्यूज पुट करी। अब इसमें 3 और 6 जो वो पैरेलल में है, तो सबसे पहले हम पैरेलल को सॉल्व करेंगे। वो आ जाएगा 1 by R' = 1 by 3 + 1 by 6। अब इसका जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा 6, ठीक है। तो 3 ^ 2 + 6 + 6 = 1 / 6। तो ये आ गया 3 / 6। इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 1 / 2। अब हमारे पास ये जो 1 by R' की वैल्यू है वो आ गई 1 / 2। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो R' की वैल्यू 2 ओम आ गई। अब इस सर्किट के अंदर जो पैरेलल था है ना, उसका आंसर क्या आ गया 2 ओम, ठीक है। अब जो बाकी जो बची वो दोनों किस में होगी, सीरीज में। तो वो आ जाएगा RS = R1 + R'। तो मतलब कि 2 + 2 = 4 ओम। तो ये तो हमें चाहिए था ना। तो इस सर्किट को भी हम फेयर में बना लेंगे, बाकियों को फेयर में बनाने में की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह हम नीट एंड क्लीन अपने उसी सर्किट्स को फेयर में बनाएंगे जिससे हमें हमारा जो आंसर है, डिज़ायर्ड आंसर, वो मिला, ठीक है। और बाकी सर्किट्स को फेयर में बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।